हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ई पैन कार्ड जो है कैसे अपना डाउनलोड कर सकते हैं। बस कुछ ही स्टेप में सबसे पहले आपको वेबसाइट टाइप करना है, पैन कार्ड ऑनलाइन UTITSL, जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप सबसे पहला टॉप पे जो आएगा उस पर आप क्लिक कर लें, आप साइट को देख सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बात करके, ये जो है ये वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ, पहले क्लिक कर लूँ जिससे आप। हाँ, इस पॉइंट पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो आपका 10-15 रुपया जो है बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। आपका ईमेल आईडी जो है एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो ई पैन कार्ड का डाउनलोड का लिंक आएगा वो ईमेल आईडी पर ही आएगा। और आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, 8-10 रुपये लगेगा, 8.26 लगेगा, पर 10 रुपये मान लीजिए, 10 रुपये मिनिमम रहना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखें, ईमेल आईडी एक्टिव, मोबाइल नंबर एक्टिव एंड अकाउंट में पैसा होना चाहिए 10 रुपया। चलिए मैं डिटेल भर के बताता हूँ क्या करने आगे। दोस्तों, जैसे ही आप अपना डिटेल फिल कर लेंगे तो आपके पास जो है ये वाला इंटरफेस आएगा, जिसमें पैन कार्ड आपको शो होगा टॉप का सीट, फिर आपको मोबाइल नंबर शो होगा, फिर ईमेल आईडी शो होगा, और आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कैचपा भर दें जो भी है। उसके बाद आपको जो एसएमएस जो है आप किससे रिसीव करना चाहते हैं, ईमेल आईडी से रिसीव करना चाहते हैं या ईमेल पर रिसीव करना चाहते हैं, और एसएमएस जो है एसएमएस पे, एसएमएस यानी कि ओटीपी आप किस पे रिसीव करना चाहते हैं, तो ओनली एसएमएस मैंने किया है। ये फिल करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर वाला किए हैं तो आप उस पर क्लिक करके ओटीपी भरवे, मैं ओटीपी भर के दिखाता हूँ आगे क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओटीपी जो है भर देंगे, उसके बाद आपको ये वाला पेमेंट इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको डेट एंड टाइम दिखेगा। जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 मई 2023 को, तो ये आपको डेट दिखेगा। आपको ई पैन एप्लीकेशन पेमेंट करना है, आपको जो अमाउंट लगेगा 8.26 लगेगा, आपको करना कुछ नहीं है। इसके बाद आपको बिल पेमेंट पर क्लिक करना है और कंफर्म पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी आपको सुविधा हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से भी करना चाहते हैं, क्यूआर पे से भी करना चाहते हैं। यूपीआई क्यूआर जो है बहुत बार फेल हो जाता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड यूज कर लें और मेक पेमेंट कर दें। जैसे ही, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अभी डाउनलोड करने का, जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको जो डाउनलोड लिंक जो है आपके ईमेल आईडी पर आएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड लिंक आपके ईमेल आईडी पर आएगा और वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें, सिंपल, दैट्स ऑल। और इसके बाद आपके पास ई पैन कार्ड हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।